हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन ए 0.1 मोलल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. सॉल्यूशन ए इज एक्स डिग्री सेल्सियस. टू दिस सॉल्यूशन ए एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलल एक्वस बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू मेक अ न्यू सॉल्यूशन बी. द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर इन द टू सॉल्यूशंस ऑफ ए एंड बी इज वाई मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -2 डिग्री सेल्सियस. अज्यूम डेंसिटीज ऑफ द सॉल्यूशन ए एंड बी आर द सेम एज दैट ऑफ वाटर एंड द सॉल्युबल सॉल्ट्स डिसोशिएट कंप्लीटली. यूज मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट एबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट के इज इक्वल टू 0.5 kg mole inverse. Boiling point of pure water as 100 degree Celsius. The value of x is. So the key concept is elevation in boiling point. Hello. So elevation in boiling point is given by we have delta TB is equal to I multiply by KB multiply by M. So I हो जाता है van der Waals factor and KB हो जाता है हमारा molal elevation constant and M हो जाता है हमारा molality. So देखो Ag NO3 जब dissociate करेगा so this will give Ag positive प्लस एन ओ थ्री नेगेटिव. ठीक है. सो यहां पे आई कितना हो जाता है 2 एंड एम कितना गिवन है. एम गिवन है 0.1 मोलल. केबी कितना है. केबी इज 0.5 कैल्विन केजी पर मोल. ठीक है. सो अगर डेल्टा टीबी निकालते हैं डेल्टा टी बी विल बी इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय के बी मल्टीप्लाई बाय एम. सो दिस विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.1. सो दिस विल गिव 0.1 डिग्री सेल्सियस. सो सिंस वी नो डेल्टा टी बी को हम लिख सकते हैं टी बी माइनस टी बी नॉट बी फॉर प्योर सॉल्वेंट या फिर वॉटर. सो फॉर वॉटर ये कितना है हमारा. ये हमारा 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. एंड सो दिस विल बी इक्वल टू 0.1 विल बी इक्वल टू ये जाएगा हमारा टी बी माइनस 100. सो फ्रॉम हेयर वी विल हैव 0.1 प्लस 100 एंड दिस विल बी इक्वल टू टीबी. ठीक है. टीबी हमारा क्या है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर इन 0.1 मोलल. ए जी एनओ थ्री सल्यूशन. ठीक है. सो यहां से टीबी हमारा कितना आ जाता है. टीबी विल बी इक्वल टू 100.1 डिग्री. सो एक्स कितना हो जाएगा. एक्स विल बी इक्वल टू 100.1 डिग्री सेल्सियस. सो हियर वी विल हैव द वैल्यू ऑफ एक्स इज 100.1 डिग्री सेल्सियस. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक.